तो अमित शाह के वार पर टीएमसी ने पलटवार किया है। टीएमसी ने हिंसा के दो वीडियो जारी करके उल्टा बीजेपी पर आरोप लगाया, तो वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ममता बनर्जी की बीजेपी को धमकी, कहा मैं भड़की तो बहुत बुरा होगा। ममता बनर्जी की चेतावनी, दिल्ली में बीजेपी का घर दहन कर सकती हूँ। आज कोलकाता हिंसा के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शांति रैली। चुनावी हिंसा को लेकर चुनाव आयोग से मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। ममता ने कहा मैं शांत बैठी हूँ, मुझे कमजोर समझने की गलती ना करें। टीएमसी का आरोप, बीजेपी ने बाहर से गुंडे बुलाए, कॉलेज में कैसे घुसे बीजेपी के गुंडे। अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को सीधी धमकी दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर वो भड़की तो बीजेपी के लिए बुरा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी उन्हें कमजोर समझने की गलती ना करे। टीएमसी ने बीजेपी पर बाहर से गुंडे बुलाकर हिंसा कराने का आरोप लगाया है। कोलकाता हिंसा को लेकर टीएमसी के नेता आज चुनाव आयोग से शिकायत भी करेंगे। ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने के खिलाफ कोलकाता में टीएमसी की शांति रैली है। The president of the BJP does what he does with his goons, hired goons from outside Bengal yesterday. You have not only made us disappointed, you've also made us sad because what has happened yesterday is part of our Bengali ethos. Narda ka paisa khane wala, Rose Valley cheat fund ka sahit baki sare cheat fundo ka jitna neta hai. सबको उन्होंने मंत्री बनाया, एमपी बनाया, विधायक बनाया, कुछ ना कुछ बनाया। तो धोखाबाज लेके जो पार्टी चला रहा है, सरकार चला रहा है, तो ममता बनर्जी